अपना हाथ मुंह धो लो फिर बैठ कर खाना खाओ। वहाँ जरा राहुल को समझा दो, ये स्कूल में सभी लड़कों के साथ झगड़ता रहता है। मास्टर साहब बोले कि आइंदा ऐसी गलती करने पर स्कूल से निकाल दिए जाओगे। दूसरे दिन किसी का किताब फाड़ा तो भैया झूठ बोलता है, इनकी बातों पर मत करना। अच्छा झगड़ा ही करोगे या खाना भी खाओगे? आओ बैठो खाना खाओ। क्या कहूं बेटे, घर में एक भी पैसे नहीं, किसी तरह पड़ोस के घर से आटा लेकर आई तो रोटी बनाई। पता नहीं गरीबों का जिंदगी कैसे। कुछ दिन संक्रमा मैं बना होकर कुछ खेती बाड़ी करने लगूंगा तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा सपना कभी साकार नहीं होगा क्योंकि सारी जमीन तुम्हारे पिता के दवाई में गिरवी पड़ी है। और रही तुम्हारी नौकरी की बात, आज के दिनों में भगवान को पाना आसान है मगर नौकरी पाना मुश्किल। अपने राहुल पर भरोसा रखूंगा, ये हर मुश्किल आसान कर देगा। क्यों राहुल, ठीक कहा ना? अच्छा चलो आराम करो।
सो जाओ बेटे। अच्छा ठीक है बेटे सुनो, जैसे रोज आवेलू तेर सुने के, जैसे रोज आवेलू तू तेर सुने के, हे ओ दिया दिया मन से अरे सब सो गए क्या तेल लगा के? घर में कोई है भाई? मुरेन जी आप इतनी रात को मेरा इतनी रात को आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? यही तो मौका है मौज उड़ाने का। चुपचाप मेरे घर से चले जाइए वरना अरे डरती क्यों हो? मेरी बात मान जाओ मला माल हो जाओगी। मला माल हो जाओगी। चलो चलो सावित्री, तुम जैसी नारियां हमारे मालिक पुरुषोत्तम के कदमों में अर्पित है। न जाने भारत की कितनी नारियां उसकी रखेल बनकर उसकी सेवा कर रही है। और वैसी नारियां इस धरती के बोझ होते हैं जो रुपए के लालच में आकर अपने आबरू बेच देते हैं। चुपचाप तुम मेरे घर से भाग गए। ये लोग कौन है? ये लोग पुरुषोत्तम के चमचे है बेटे। पुरुषोत्तम के चमचे? तुम लोग यहाँ से जाते हो कि नहीं? जाएंगे बेटे, लेकिन
लेकिन तुम्हारी माँ को लेके जाएंगे। कोई नहीं आएगा बचाने, चुपचाप चल मेरे साथ। देखा, कोई नहीं आएगा। मेरे मालिक के खिलाफ आवाज उठाने वाले को इस धरती पर जगह नहीं मिलती है। चल मेरे साथ। हो सकता है हम लोगों को भी यहाँ आकर याद रखा। चलो यहाँ से भाग चले।